राइट सो आज भी हम बात करेंगे बहुत सारी न्यूज के बारे में, जैसे कि कल थारा भाई जोगिंदर के यहाँ पे एलविश यादव के दोस्तों के साथ लड़ाई हो गई। देन आयशा स्पीड की स्ट्रीम पे कुछ ऐसा हुआ कि उनका जो दोस्त था उसको भाई यहाँ पे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। देन अंकित बयानपुरा ने यहाँ पे रिस्पॉन्ड करा उनको जो हेट मिल रहा था बीजेपी को प्रमोट करने के बाद। और भी बहुत सारी न्यूज के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट भी कर दो ताकि यूट्यूब को पता चले आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। नाउ स्टार्ट करते हैं सीधा न्यूज के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में जो की आ रही है इन अमेरिकन ब्लॉगर्स की तरफ से। तो भाई इनका ये चैनल है यूट्यूब के ऊपर जिसका नाम है अनस्टक विद मैक एंड कीन, एंड ये लोग रिसेंटली ना इंडिया के अंदर जो केरला है वहां पे वो विजिट करे थे एंड वहां पे उन्होंने अपनी वैकेशन स्पेंड करी थी, एंड वो लोग इसी की रिगार्डिंग ना अपने चैनल के ऊपर वीडियो डाल रहे थे। बट इन्होंने यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक वीडियो डाली जिसने यहाँ पे सबको शॉक कर दिया। सो बेसिकली इन्होंने अपने इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर एक वीडियो डाली थी जहाँ पे उन्होंने एक सेगमेंट था कि भाई उनके साथ साथ क्या हुआ केरला के अंदर। तो ये एक वीडियो थी जिसके अंदर वो ये एक्सप्लेन करते कि भाई उनके साथ यहाँ पे सेक्सुअली हरेसमेंट भी हुई थी, और ये चीज ना यहाँ पे दोनों के साथ हुई थी। जहाँ पे इन्होंने पहले ये एक्सप्लेन करा कि यहाँ पे एक आता है एंड इनको किस करने की कोशिश करता है, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे इस लड़के ने भी बताया कि यहाँ पे एक बंदा जो 50 साल के ऊपर का होता है वो आता है एंड उनके यहाँ पे जो नीचे बॉल्स होती है उनको यहाँ पे टिकल करता है, धन ये उसको पीछे धक्का देते हैं तब जाके वो बंदा जाता है वहां से। तो यार इसी चीज को लेकर ना लोग काफी ज्यादा शौक थे एंड नीचे कमेंट सेक्शन में लोग ये बोल रहे थे कि भाई वो सॉरी बोलते हैं जो भी इनके साथ हुआ उस चीज के लिए। वेल आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यार यहाँ पे इन पंगों की बात हो ही रही है तो वड़ा पाव गर्ल को तो आप लोग जानते ही होंगे, तो यार उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पे उनका एक झगड़ा हो गया, वो क्लिप आप लोग देख सकते हैं। हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थारा भाई जोगिंदर के बारे में। तो भाई थारा भाई जोगिंदर की कल यहाँ पे लड़ाई होगी यहाँ पे एलविश यादव के दोस्तों के साथ। सो एक्चुअल में हुआ क्या यहाँ पे, मतलब किसी पे इतना भी दम है कि भाई वो थारा भाई जोगिंदर से लड़ ले। तो कल यहाँ पे जो एलविश यादव के दोस्त है लव कटारी, वो अपने इंस्टाग्राम के लाइव के ऊपर आते हैं एंड इस लाइव के ऊपर वो काफी सारे लोगों को एड कर रहे होते हैं एंड इस लाइव का पर्पस ये होता है कि भाई यहाँ पे उनका जो एक कंटेस्टेंट है चिराग उसके लिए वोट अपील कर रहे थे। सो लव कटारी यहाँ पे बहुत सारे बंदों को एड करवा के यहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे उनसे बुलवा रहे थे कि भाई यहाँ पे चिराग को जाके वोट दो। तो भाई इसी स्ट्रीम पे वो यहाँ पे थारा भाई जोगेंद्र को भी ऐड करते हैं, बट यहाँ पे सिचुएशन ना थोड़ी सी खराब हो जाती है एंड क्या होता है स्ट्रीम के ऊपर वो आप लोग देख सकते हैं। मोटा कहाँ से आ गया, शेर को बुलाया था, चूहा आ गए तो चूहे के बच्चे तू चूहा है क्या साढ़े जोगिंदर अबे हटाओ ना मेरे को जोगिंदर तू दिख पा रहा पर क्या करो जैसे होना सारे जाएंगे ले जाऊंगा साढ़े तीन मेरे को ये कौन है भाई ठीक है रुको हेलो मारूंगा जान दे देना चुप रह अबे यार क्या हो गया मैं काट दूंगा लगता लगता का मारूंगा अबे नहीं हटते जोगिंदर अपनी कहां से आ गया की करते भाई कहां गया
भाई कहाँ गया? तो लाइफ पे ये तो बता दो, मेरे को दिख ही नहीं रहा कौन मैर कौन है। मैर तू लड़ाई है भाई अभी तो। अरे बच भाई लड़ाई कराते हैं गई। भाई। मैं कौन जोगिंदर कुछ भाई तो लड़ाई अपनी करानी थी यार। यार, जोगिंदर तो आते लड़े है और कुछ लड़े है। रुको जोगिंदर भाई को अपील करनी थी मैक्स यार। तुमको ले, एकदम ये मैक्स क्या हो गया सर भाई, एकदम को, मेरे लड़ाई सी बाज गई है ना। पता को पैसे की जोगिंदर जान सर तो। भाई जोगिंदर आती लड़ाई क्यों बज गई हो? जोगिंदर लड़ाई करने आया था मैं। यार व्हाट इज दिस यार, मैंने तो वोट के लिए ऐड किया था उसको, तू लड़ रहा है। दिस नॉट डन भाई, किसी लड़की को ऐड करूं अपनी टीम में? जोगिंदर भाई कह रहे हैं कि ऐसी तैसी करूँ आज। अरे भाई हो यार जोगिंदर भाई आप। पुनीत एंड जब ये स्ट्रीम खत्म हो जाती है ना, इसके बाद यहाँ पे थारा भाई जोगिंदर अपने रिस्पॉन्स के साथ आते हैं एंड वो कुछ ये बोलते हैं। कटारिया तू लाइव आया, तूने रिक्वेस्ट की जोगिंदर भाई पर लाइव में जोड़ा, फिर तू अपने फंटरों के साथ आ गया, हवाबाजी कर रहा है। मेरी बहन की शादी चल रही है, 2-3 दिन रुक, तेरा भी इलाज करेंगे बेटा, वेट एंड वॉच। रुक। एंड यहाँ पे एलविश यादव के दोस्तों की बात हो रही है, तो भाई यहाँ पे एक और सीन हुआ। तो यहाँ पे जो उनके एक दोस्त है लक्ष्य एंड अर्जित, वो यहाँ पे रोस्ट करते हैं क्रेजी दीप को, जिसके ऊपर क्रेजी दीप भी रिएक्ट करते हुए बोलते हैं कि भाई ये आखिर लोग है कौन। एंड इसका रिप्लाई करते हुए लक्ष्य यहाँ पे ये बोलते हैं, घर आके इंस्टा आईडी बताओ या मेट्रो से गुड़गांव आके खुद पता करेगा। तो बेसिकली ये टिपिकल एलविश यादव का रिप्लाई था जो कि उन्होंने मैक्सन को दिया था, मैक्सन को थप्पड़ मारने से पहले। मतलब क्या टाइम आ गया, लोग तो सामने सीधा मुंह पे धमकी देते हैं मारने की। एंड इसका रिप्लाई करते हुए यहाँ पे क्रेजी दीप उनको ये बोलते हैं कि भाई अपने दोस्त के व्यूज भी चुरा लिया एंड उसके साथ साथ उसका अब रिप्लाई और ट्वीट भी कॉपी कर रहे हैं। देन लक्ष्य एंड अर्जित की तरफ से भी कुछ ये स्टोरी आती है। तो भाई ना बहुत दिनों से कुत्ता भौंक रहा था, बक 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 बक, चश्मा पहन के। योरी लिंक, इस लिंक पे जाओ भाई, अच्छा रोस्ट मारा उसका, अच्छा रिप्लाई दिया है, सिस्टम हैंग कर दो उसका। एंड केसी दी बाद में ये भी स्टोरी डालते हैं, ठीक है, मेरे पे दो भाइयों ने वीडियो बनाई है कि तू एलविस के नाम पे व्यूज ले रहा, पर अब देखते हैं कि आप लोगों को भाई किस तरीके से लोग यूट्यूबर जानते हैं। और चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले क्रेजी दीप वर्सेस एलविश यादव के फ्रेंड्स लक्ष्य एंड अर्चित के बारे में। एलविश यादव के फ्रेंड्स लक्ष्य एंड अर्चित, तुम्हारी न्यूज तुम्हारे पप्पा के फोटो के बिना कोई डालना नहीं चाहता भाई, ठीक है यार भाई। एंड यार यहाँ पे एलविश यादव की बात हो रही है, तो भाई यहाँ पे एक टीचर ने एलविश यादव को रोस्ट कर दिया एंड उन्होंने क्या बोला आप लोग सुन सकते हैं। एलविश यादव सीजल की तैयारी करेंगे, हाँ मैंने भी देखा, मतलब न्यूज में मैंने देखा, तुमसे ना हो पाएगा एलविस यादव, अभी 1 स्टार होंगे, 7 स्टार चाहिए। तो भाई मैं एलविस यादव, आप अगर देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारे रैंकस गुरुकुल आपको रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जीएस पूरा कॉम्बो बैच बिल्कुल फ्री में पढ़ाएगा। इसलिए नहीं कि आप स्टार हो, बल्कि इसलिए पढ़ाएगा कि भाई आपको कुछ आता नहीं ना, और जिनको आता नहीं उनको पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है। एंड परसों यहाँ पे एलविश यादव ने स्ट्रीम भी करी थी जहाँ पे कुछ लोग उनसे ऑफेंड हो गए थे, तो उन्हीं सारी चीजों को क्लियर करते हुए एलविश यादव ने अपने रिसेंट ब्लॉग में कुछ ये क्लैरिफिकेशन दिया है। भाई एक चीज ना मैं बोल, एक चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, जो अपने एलविश आर्मी में जितने भी मेरे भाई बंधु है इनकी लेनी देनी करके रखते हैं, फैक्ट्स बोलते हैं, फैक्ट्स, आई लव पीपल हु टॉक फैक्ट्स। और दूसरे वाले बंदे जो होते हैं गवार है, वो तो प्रॉपर गवार है, जिनको बोलते हैं प्रॉपर, वो तो फुल सपोर्ट टू माई एलविश आर्मी। इतना भी नहीं सहना कि भाई को बोल दिया कुछ कि चलो कोई नहीं, इग्नोर करते हैं, इग्नोर द नेगेटिविटी, इग्नोर भी करो पर ज्यादा हो जाता सिस्टम पार दो। देन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भाई आईपीएल के बारे में। तो भाई कल तो बहुत बड़ी चीज हो गई आईपीएल के अंदर भाई, आरसीबी फाइनली मैच जीत चुकी है भाई, समझ रहे हो, पूरी दुनिया उल्टी पुल्टी हो चुकी है भाई। यहाँ पे आरसीबी ने आईपीएल के अंदर अपना दूसरा मैच जीत लिया है एंड ये जीत इतनी बड़ी थी कि भाई ट्विटर के ऊपर कुछ ये ट्रेंड हो रहा था एंड इसके ऊपर मैक्सटर ने रिएक्ट करते हुए कुछ ये लिखा हुआ था एंड थगेश ने लिखा हुआ था कि भाई कोई उन्हें बताओ कि भाई आरसीबी के क्वालिफाई होने के चांसेस क्या है अब, एंड अब मजा आएगा। अब आरसीबी के फैंस ना फिर से पूरी लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर वो ये बताएंगे कि भाई अगर ये टीम से हार जाए, वो टीम उससे हार जाए, वो इतने पॉइंट से हार जाए, वो इतने यहाँ पे रन से जीत जाए, तो आरसीबी क्वालिफाई हो जाएगी। ये पिछले सारे आईपीएल सीजन का रीति रिवाज रहा है यहाँ पे। एंड लास्ट टाइम जब यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद ने यहाँ पे आरसीबी को हराया था, तो भाई उनके फैंस ने यहाँ पे भाई करते हुए यहाँ पे भाई आरसीबी के फैंस को यहाँ पे चुप करवाया था या साइलेंस करवाया था। तो कल उन लोगों ने अपना बदला लिया सेम चीज करके एंड भाई ये जीत इतनी बड़ी थी कि भाई कुछ लोग यहाँ पे मीम्स बनाने लग गए, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि भाई मेरी और मत देखे, कुछ मैच अपने आप इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। एंड अगला मीम ये था कि सारे ड्रीम इलेवन के सी के एल लगा दिए एंड कुछ लोग यहाँ पे विराट कोहली को भी ट्रोल कर रहे थे क्योंकि उन्होंने काइंड ऑफ कल T20 के मैच में ओडीआई वाली इनिंग्स खेली है, लाइक उन्होंने 25 बॉल खेली है जिसपे उन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई, लाइक T20 मैच में, वो भी आईपीएल के अंदर। तो लोग इसके ऊपर भी मीम बना रहे थे
जैसे कि आरसीबी जीत गई, अब तेरा स्लो स्ट्राइक रेट वाली ओपिनियन को अपनी जी में डाल। वेल, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड यहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही है तो भाई एमएस धोनी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके रिगार्डिंग का एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसके अंदर एक बंदे ने अपने इंस्टाग्राम का मैसेज दिखा रखा है एंड उस बंदे को यहाँ पे किसी ने मैसेज करके ये लिखा हुआ है कि भाई मैं एमएस धोनी बोल रहा हूँ और मैं तुम्हें ना अपने प्राइवेट अकाउंट से मैसेज कर रहा हूँ एंड भाई मैं रांची के आउटस्कर्ट में हूँ और भाई मैं अपना वॉलेट बोल गया हूँ, क्या तुम मुझे फोन पे कर सकते हो 600 रुपए और मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा जैसे मैं घर पहुंच जाऊंगा। और भाई अपनी सेल्फी देता है एज अ प्रूफ, जिसके अंदर धोनी पता नहीं किसी खेतों के अंदर है एंड नीचे भाई लिखा हुआ है विसल पोड़ू। ओके, एंड बंदे ने यहाँ पे थोड़ी सी ना डिटेलिंग भी दी है, बंदे ने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट भी ये रखा है, प्राइवेट अकाउंट बना के भी अकाउंट का नाम एमएस धोनी ही रखा है। वेल, ये बंदा तो यहाँ पे फंसा नहीं, बट एक केस यहाँ पे ऐसा हुआ जिसके अंदर एक बंदा फंस भी गया, बट वो केस जो है वो इलोन मस्क के रिगार्डिंग है। तो रिसेंटली एक ऐसी न्यूज आई कि साउथ कोरिया के अंदर एक बंदे ने डीप फेक कॉल करी थी एक लड़की को एंड उस डीप फेक कॉल के अंदर यहाँ पे इलोन मस्क जो है वो इस लड़की को आई लव यू बोलते हैं एंड ये फेक कॉल करके भाई उससे 41 लाख रुपीज जो है वो स्कैम कर देते हैं। सो इट सीम्स लाइक कि हाँ भाई AI सच में डेंजरस है। वेल, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं भाई UK07 राइडर के बारे में। तो यार UK07 राइडर ने यहाँ पे सॉरी बोल दिया अरमान मलिक को। सो यस, ये चीज यहाँ पे अरमान मलिक ने रिवील करी। आपको पता है कि UK07 राइडर ने यहाँ पे चैलेंज करा था बॉक्सिंग का कि भाई कोई तो यूट्यूबर आके उनसे चैलेंज एक्सेप्ट कर लो एंड अरमान मलिक ने कर भी लिया था, बट भाई यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि भाई UK07 राइडर ने अरमान मलिक से अपोलोजाइज कर लिया। तो आप लोग सुन सकते हैं कि भाई यहाँ पे उन्होंने क्या बोला वीडियो के अंदर। लो भाई, जिसका डर था वही हुआ, इधर उधर से मैसेज करवा दिया और माफी मांग रहा लड़का कि मेरे मुंह से निकल गई, मुझे माफ कर दो, अगर कहते हो तो मैं सोशल मीडिया पे आके बोल देता हूँ। तो भाई सोशल मीडिया पे आके माफी मांग ले, कोई बात नहीं, हम माफ कर देंगे, बड़े दिल वाले हैं और मेरे साथ जितने भी इन्फ्लुएंसर है वो भी माफ कर देंगे। अगर कल 4 बजे तक आगे तो माफी नहीं मांगता तो भाई फिर चैलेंज कंटिन्यू रहेगा, जैसे सोशल मीडिया पे आके हवाबाजी की थी वैसे आगे माफी मांग ले। एंड यार ये लड़ाइयों की बात हो रही है तो भाई रजत दलाल ने कल एक और इंस्टाग्राम स्टोरी डाली नकल एड बोरियर के लिए एंड उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग सुन सकते हैं। टाइम से ना वीडियोस मेरे पास आ रही थी इधर उधर से ना, पर मैंने किया सबका अपना कंटेंट है, कोई कुछ भी डाले मेरे को उसमें क्या लेना देना ना, सबके पास फ्रीडम है कुछ भी डालने की। पर फ्रीडम के चक्कर में भाई आप लोगों को मिसगाइड नहीं कर सकते, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला सकते जिससे किसी को चोट लगे। हम भी फिटनेस लाइन से हैं, हमने भी अपने सोशल मीडिया पे बहुत बकचोदियां करी हैं, गलतियां भी करी हैं, पर कुछ ऐसा नहीं करा कि जिसके चक्कर में ना किसी के चोट लगे या किसी का करियर खराब हो। तो भाई ये जो आपने रायता फैला रखा है ना, 8 घंटे ट्रेनिंग, 5 प्लेट छोले भटूरे, 1 टन की गाड़ी, 1000 मीटर तक खींचना, उसमें पहिए लगे हुए हैं भाई, ये चूतिया बनाना बंद कर। वरना बहुत टाइम से वैसे भी बेंचो शांत बैठे हैं, शांति भंग हो जाएगी और तेरी पुश पैस लिमिट पे फुल स्टॉप लग जाएगा। अब तू देख ले, फुल स्टॉप लगवाना हो तो भांग भोसड़ा फैला ले, इतना ही तेरे लिए बहुत है, समझ। वेल, यहाँ पे नकल हेड वॉरियर का कोई भी रिप्लाई नहीं आया भाई, वो बंदा यहाँ पे साइलेंट हो चुका है जब से रजत दलाल ने कुछ बोला है। लाइट से भाई वो क्या रिप्लाई करते हैं। देन हम बात करने वाले आयशा स्पीड के बारे में। तो आयशा स्पीड की रिसेंट स्ट्रीम पे ना बहुत ही शॉकिंग चीज हुई। सो रिसेंटली आयशा स्पीड ना एक और ट्विस्ट स्ट्रीमर के साथ यहाँ पे स्ट्रीम कर रहे थे जिनका नाम है स्केच एंड इस स्ट्रीम पे भाई वो ना यहाँ पे बेसिकली एक दूसरे को कम्पीट कर रहे थे चैलेंजेस के अंदर, जैसे कि रेस लगाना या फिर कौन सबसे ज्यादा ऊंचा उछल सकता है। बट यहाँ पे जब ये लोग रेस लगा रहे थे तो भाई आयशा स्पीड मजाक मजाक में स्केच को हल्का सा धक्का देते हैं एंड इसी धक्के के अंदर यहाँ पे स्केच की जो हैमस्ट्रिंग होती है वो यहाँ पे खिंच जाती है एंड भाई उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। तो उसकी एक छोटी सी क्लिप आप लोग देख सकते हैं। Flag! What? I didn't touch you. I'm tired as hell, bro. Oh. Here, lay down. Let me shush it out. I gotta shush it out. It's no, it popped for sure. Watch out. It popped. I got you. Damn, they about to transport you? No, we're just gonna check them out. Alright. Damn, man. Yeah, I didn't know if they were taking them or not. Fuck. I just wanna let you guys know. एंड यार एक हॉस्पिटल वाला इंसिडेंट अपने इंडिया के फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर भी हो गया, जहां पे एक यूट्यूबर है ज्ञान गेमिंग, उनकी तरफ से एक बहुत शॉकिंग अनाउंसमेंट आई। तो बेसिकली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी डाली थी जहां पर उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे ज्ञान गेमिंग का एक्सीडेंट हो गया क्योंकि एक कार ने उन्हें हिट कर दिया था 22 अप्रैल को एंड भाई वो अभी ICU के अंदर है लखनऊ में और यहाँ पे उनको रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ज्ञान गेमिंग को आपका सपोर्ट चाहिए इस टाइम के अंदर। और एक यूट्यूब वीडियो भी डाली जहां पर उन्होंने एक्सप्लेन करा कि भाई यहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो अगर आपको वो देखनी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के मिल जाएगा। वेल, आपको क्या ओपिनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड अगर आपके पास कोई न्यूज़ है तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोग वहां पे आके दे सकते हैं। और वीडियो चाहिए तो वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।